नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत को देवभूमि कहा जाता है, एक ऐसी भूमि जहां भगवान शिव के अनेक चमत्कारी धाम मौजूद हैं, एक और जहां 12 ज्योतिर्लिंग के धाम आते हैं जिनकी अपनी ही अलग अलग विशेषता है। हर ज्योतिर्लिंग अपना महत्व रखता है। आज ऐसे ही शिव के एक अद्भुत धाम की यात्रा आपको कराएंगे। देखिए जवरेश्वर महादेव पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से महज 22 किलोमीटर दूर नर्मदा किनारे दक्षिण तट पर स्थित भगवान शिव का ये धाम जवरेश्वर महादेव का मंदिर अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय है। स्थानीय जन इन्हें मोटे महादेव के नाम से भी जानते हैं। साथ ही भगवान शिव के इस मंदिर के नाम पर ही गांव का नाम घाट पीपरिया से महादेव पीपरिया किया गया। जवरेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना आज से करीब 200 साल पहले मालगुजार चौधरी धुरंधर सिंह के द्वारा की गई। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान शिव ने सपने में आकर चौधरी धुरंधर सिंह को स्थापना के लिए कहा, जिसके बाद इस मूर्ति को हिनौतिया के जंगलों से लाया गया। जब मूर्ति को लाया गया तो प्रतिमा की ऊंचाई 2.5 फीट थी। स्थापना के बाद इस मूर्ति का लगातार इंच दर इंच बढ़ना शुरू हुआ और वर्तमान में मूर्ति की ऊंचाई 4.5 फीट और मोटाई 11 फीट के बराबर है। बाबा भोलेनाथ जवरेश्वर महादेव की इस महिमा के बारे में यहां के पुजारी बताते हैं कि यहां 3 पीढ़ियों से पूजन अर्चन करते आ रहे हैं। पुजारी के अनुसार मोटे महादेव हिनौतिया के जंगलों से मालगुजार लेकर आए थे और इनकी स्थापना की गई और उनके द्वारा 3 पीढ़ियों से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। इस शिवलिंग की विशेषता है कि भगवान शिव की ये प्रतिमा अपने आप रहस्यमय तरीके से बढ़ती जाती है और मूर्ति अभी भी हर वर्ष 1 इंच बढ़ जाती है। आदमी आते हैं इधर, कैसी मनोकामना लेके आते हैं, क्या पिकनिक की भी यहाँ पे? हाँ, पिकनिक होती है और श्रद्धालु जैसे बाल बच्चे नहीं होते और क्या सब ऐसे आते। अच्छा, क्या ग्रामीण क्षेत्रों से केवल लोग आते हैं? नहीं, शहर के भी, ग्रामीण, बाहरी, बहुत सागर, बहुत जगह के आते। अच्छा, मूर्ति की बात करें, मूर्ति में क्या विशेषता है यहाँ की? ये मूर्ति बहुत विशाल मूर्ति है, चमत्कारी वो है मूर्ति। कहते हैं पहले बहुत छोटी थी। हाँ, पहले मैंने सुनी है, हमारे सियाने लोग बताते, पिताजी ऐसे क्या बताते हैं, ये बहुत पुरानी मूर्ति, बहुत छोटी थी, अभी अभी आए, फिर बड़े। वर्तमान में भोले बाबा के इस दिव्य शिवलिंग की ऊंचाई 4.5 फुट और 11.5 फुट की मोटाई है। यहाँ पर हर साल वसंत पंचमी में भगवान भोलेनाथ के वस्त्र के हिसाब से शिवलिंग प्रतिमा की लंबाई चौड़ाई का आकलन किया जाता है और हर वर्ष नए वस्त्र बनाने पड़ते हैं। लगभग कितने गाँव के लोग यहाँ आते हैं? सैकड़ों गाँव के लोग आते हैं। क्या 10,000 की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। अच्छा, इसके बाद कोई विशेष दिन है यहाँ का? हाँ, महाशिवरात्रि विशेष दिन होता है, बसंत पंचमी विशेष दिन होता है, जो 5 दिन का मेला लगाया जाता है बसंत पंचमी मार्ग में। यहाँ पर आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। संतान प्राप्ति हेतु यहाँ विशेष मन्नत भी मांगी जाती है। मन्नत मांगते वक्त यहाँ हल्दी भरे सीधे हाथ लगाए जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर पुनः हल्दी भरे हाथों के उल्टे छापे लगते हैं। हर साल बसंत पंचमी को 5 दिन का मेला और शिवरात्रि को 1 दिन का मेला लगता है। इस स्थान की एक और जनश्रुति है, मोटे महादेव के शिवलिंग के ऊपर खील ठोकने से प्रतिमा का बढ़ना बंद हो गया है, लेकिन पूजा करने वाले पुजारी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटे महादेव के ऊपर एक छोटा सा कुंड है जो प्राकृतिक है और शिवलिंग के साथ वो भी अपने आप बढ़ते जाता है। महादेव पीपरिया का अलौकिक मंदिर में स्थापित शिवलिंग के लगातार बढ़ते जाने से श्रद्धालु दूर दूर से खींचे चले आते हैं। शिवधाम के दर्शन करने हर राज्य से लोग आते हैं। जीवनदायिनी नर्मदा किनारे दक्षिण तट पर विराजमान जवरेश्वर महादेव अपने आप में बेहद महत्व रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।